स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो नेक्स्ट पेपर होना है, बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का। तो उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो पिछले साल का पेपर है ये, तो उसको सॉल्व करा रहा हूँ। 1 से 30 प्रश्न मैंने पार्ट वन में अपलोड कर चुका हूँ और सेकेंड ये अपलोड कर रहा हूँ। तो पहला नहीं देखा है आपने तो फर्स्ट पार्ट इसको देख लीजिएगा। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। पेटेंट बग का वैज्ञानिक नाम होता है, तो दोस्तों वैज्ञानिक नाम जो इसका है बगराडा क्रूसीफेरमम होता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, गन्ने की सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गन्ने की सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम जो है अलीरोलोबस बोरोडिसिस होता है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट आता है, मक्के के तना छेदक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मक्के का तना छेदक जो होता है इसे चिलोपार्टिलस कहते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, दीमक श्रमिक होते हैं, तो दीमक श्रमिक कैसे होते हैं? तो ये बांझ होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, दीमक है तो दीमक जो है पॉलीफेगस है, कैसी है? पॉलीफेगस, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाइट ग्रब गण के अंतर्गत आता है, तो कौन से गण के अंतर्गत आता है? कोलियोप्टेरा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, दीमक गण के अंतर्गत आती है, तो कौन से? आइसोप्टेरा के अंतर्गत आती है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, तंबाकू की सुड़ी गण से संबंधित है, तो कौन से गण से संबंधित है? तो ये लेपिडोप्टेरा से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है, बिहार बालों वाली सुड़ी का गण के अंतर्गत आती है, तो यह दोस्तों लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत आती है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है, दीमक का वैज्ञानिक नाम, तो दीमक का वैज्ञानिक नाम ओडेंटोटर्मिस ओविस होता है, तो ओडेंटोटर्मिस स्पीसीज इसमें दिया है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तंबाकू के कैटरपिलर का वैज्ञानिक नाम, तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है स्पोडोप्टेरा लिटोरा होता है दोस्तों। दोस्तों इंग्लिश में सब आंसर आपको दिए मिलेंगे पेपर में, तो आप इंग्लिश को तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को हाई क्वालिटी में देखिएगा, जिससे जो स्पेलिंग दी हैं वो आपको समझ में आ जाएं। तो बिहार बालों वाली कैटरपिली का वैज्ञानिक नाम तो क्या है? तो ऑप्शन ए इसमें राइट है, सिप्ला इस्मोना ओब्लिक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, के लार्वा हल्के भूरे रंग के होते हैं और बड़े होने पर लाल हो जाते हैं और बालों वाले होते हैं, तो कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए राइट होगा, अम्सेक्टा मोरियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस कीट के वयस्क गहरे रंग के होते हैं और लहरदार सफ़ेद निशानों के साथ भूरे रंग के अपंख होते हैं? तो ऑप्शन इसमें बी राइट होगा, स्प्लोसोमा ओब्लिगेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीमक का मैथुन कहाँ होता है? दीमक का मैथुन जो होता है हवा में होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, लगभग 30,000 अंडे प्रतिदिन देता है, तो कौन देता है? दीमक देती है, टर्माइट, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एफिड मादाएं जो अपनी अपंखी विविपेरस और पार्थेनोजेनेटिक और वे वसंत में ओवर विंटर्स अंडों में निकालती हैं के रूप में जानी जाती हैं, तो किसके रूप में जानी जाती हैं? ऑप्शन सी राइट होगा, फंडा ट्रिगेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, भंडारण में चावल ज्वार गेहूं जौ मक्का के दानों पर 1.5 मिमी व्यास के अनियमित छिद्रों की उपस्थिति के हमले के कारण होती है? तो यह ऑप्शन इसमें बी राइट होगा, कैलोसो ब्रूचस चेनेंसिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइटोफिलस ओराइजी की हानिकारक अवस्था होती है, तो कौन सी ग्रब होती है? ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है, पल्स बीटल की हानिकारक अवस्था होती है, तो कौन सी होती है? कैटरपिलर होती है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है, सिटोग्रेगा क्रेकेलिया की हानिकारक अवस्था होती है, तो कौन सी होती है? तो इसकी ग्रब होती है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, पल्स बीटल का वैज्ञानिक नाम, तो पल्स बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्लेसोब्रूचस चाइनेंसिस होता है। नेक्स्ट आता है, खपरा बीटल परिवार से संबंधित है, तो कौन से? तो ये
डार्मेसिटी से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भंडारण के अनाज के उस कीट का नाम बताइए जो खेत, थ्रेसिंग यार्ड, दुकानों में दालों पर हमला करता है, तो कौन सा होता है? ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, क्लेसोब्रूचस जाइनेंसिस। नेक्स्ट आता है, अंडा अनाज का भंडारण करते समय नमी परसेंट होनी चाहिए, तो 10 से 12 होनी चाहिए, तो ऑप्शन 10 इसमें सही होगा, सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कौन से भंडारण कीट की मादा अनाज में छोटा सा छेद करती है और उसके उसमें एक अंडा देती है और जिलेटिनियस प्लंस के साथ कवर करती है, तो यह खपरा बीटल गेहूं का घुन जो होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे, अगले को वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देखना ना भूलिएगा और पार्ट 1 जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा।